आते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे 3:30 आएंगे। तो कल की क्लास में सब थे? यस। क्लास में सभी थे ना? कोई नया बच्चा है क्या आज? आंचल नहीं है। अंजू, दिव्यानी, किरण, प्रगति, प्रगति, शालिनी, शिल्पा, स्वाति, उमेश। उमेश भी नया है। आंचल आज पहली क्लास है क्या? नहीं मैम, मैं तो बहुत पहले से ले रही हूँ। ओके ओके ठीक है। और उमेश? एप्टीट्यूड ठीक है। और उमेश? उमेश ये मेरा कल पहला क्लास था। आई कुड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। ओके, तो परसों की रिकॉर्डिंग सुनी क्या? नो आई कुड। ओके देन यू शुड, क्योंकि उसी से ही चीजें समझ में आएगी, वो बेस है। एनीवेज नए कुछ टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे, तब शायद समझ में आ जाए। अदरवाइज तब तक सुनो, आगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कल? हमने माइनर, मेजर टर्म और ये पढ़ लिया था। कल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, फिगर हमने क्वेश्चन ये वाला कर लिया था। वेन डायग्राम, ओके ये स्किप किया था, इसकी फ्रेश क्लास लेनी है। देन हम आए थे एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। पहली क्लास में एक्चुअली हमने बेस ही पढ़ लिया था, तो वो अब जो नए बच्चे आएंगे ना उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ये एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था ए टाइप का जो स्टेटमेंट है, ई टाइप का जो स्टेटमेंट है, आई टाइप का जो स्टेटमेंट है, ओ टाइप का जो स्टेटमेंट है, तो ये एक ऐसे करके स्क्वायर बनता है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है सब कॉन्ट्रेरी। इन दोनों के बीच में है सब ऑल्टरेशन, इसका भी और इसका भी। और ये जो अपोजिट जा रहे हैं ये दोनों, मतलब ए और ओ, देन ई एंड आई, ये है कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी है क्या चीज? कॉन्ट्रेरी में कल मैंने बताया था, बताओ बच्चों कॉन्ट्रेरी में मैंने क्या बताया था? कॉन्ट्रेरी में दोनों या तो फॉल्स होंगे, मतलब एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, या एक फॉल्स होगा और एक ट्रू होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि दूसरा ट्रू होगा ही होगा, दैट इज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, बट एक तो कम से कम क्या होगा, फॉल्स होगा ही होगा। दूसरा वाला देखो, फॉल्स भी हो सकता है और या तो ट्रू भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर दूसरा वाला। मैम एटलीस्ट वन नीड्स टू बी फॉल्स, बोथ कैन बी फॉल्स। हाँ, और दोनों ट्रू हो एक साथ, दैट इज नॉट पॉसिबल टुगेदर। ठीक है, दे कांट बी ट्रू टुगेदर, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। बोथ फॉल्स एक साथ हो सकते हैं, एक कम से कम उनमें से एक तो पक्का के पक्का फॉल्स होगा, और दोनों कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, ये कॉन्ट्ररी का रिश्ता था। अभी डरना मत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी डरना मत, हम धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। चलो, ये कॉन्ट्ररी का रिश्ता म्यूट कर लो। अब सब कॉन्ट्ररी में हमने क्या पढ़ा था? सब कॉन्ट्ररी में बताओ भाई बच्चों क्या पढ़ा था? वो दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। बोथ पहला क्या है? बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, एटलीस्ट वन नीड्स टू बी ट्रू, एटलीस्ट कैन बी फॉल्स टुगेदर, वन शुड बी, वन विल बी ट्रू। अब दूसरा वाला या तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, अनडिटरमाइंड। तीसरा वाला है दे कांट बी वॉट टूगेदर, फॉल्स टूगेदर, दे कांट बी फॉल्स टूगेदर। ठीक है, ये सब कॉन्ट्ररी का था। यहां तक पकड़ा सबने? किसी को डाउट है यहां तक?
अगर बच्चों एक को भी डाउट आता ना, जैसे अभी मैंने उमेश से पूछा था, उमेश ने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो अगर उमेश ने कल ही मुझे टोक दिया होता तो मैं कल ही उसको दोबारा रिपीट करा देती। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है? नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आता ना, तो बोल दिया करो कि नहीं आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है? क्योंकि अब क्या है, एक पे एक क्लास बढ़ती जाएगी, तो अब जो अगर नहीं समझ में आया वो और मल्टीप्लाई होता जाएगा। नहीं समझ में आया फर्स्ट क्लास नहीं की, सेकंड क्लास में ही नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फर्स्ट क्लास तो दोबारा रिपीट हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ा दिया है, शॉर्ट में उसको फटाफट बता सकती हूँ मैं। पर जब क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी ना एक्यूमुलेट, तब आगे चल के नहीं बता पाऊंगी मैं, ठीक है? चलो, ये हो गया मैम कॉन्ट्ररी। हाँ मैम, एक बार ना ये क्लियर करना बाद में कि कौन कौन से कॉन्ट्ररी होते हैं और कौन कौन से सब कॉन्ट्ररी। हाँ वो तो आगे हम जब करेंगे ना अभी क्वेश्चंस, तब देखना आपको सब समझ में आने लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉन्ट्ररी क्या बोला था हमने, किन किन के बीच में, ए और ई का जो रिश्ता होता है इन दोनों के बीच में ही सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्ररी होता है। आई और ओ का जो रिश्ता है सिर्फ इनके ही बीच में सब कॉन्ट्ररी का आता है। आई ए और आई एंड ई एंड एफ के बीच में, सॉरी एफ नहीं है, क्या है, आई ओ ओ, इन दोनों के बीच में ही सिर्फ सब ऑल्टरेशन का, मतलब ये और ये सब ऑल्टरेशन का है। देन आई और ये और ई और आई, इनके बीच में ही सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टरी का रिश्ता है, ठीक है? वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी बस इतना समझो, कॉन्ट्ररी क्या है, सब कॉन्ट्ररी क्या है, सब ऑल्टरेशन क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है, ठीक है? अब सुनो नेक्स्ट चीज, सब ऑल्टरेशन, सब ऑल्टरेशन, ठीक है? अभी सब ऑल्टरेशन क्या है, ट्रूथ फ्लो डाउनवर्ड्स। ट्रूथ जो है, जैसे ये हमारा है ए और ये है हमारा यहाँ नीचे की तरफ आई, ठीक है? इन दोनों के बीच में ही है ना सब ऑल्टरेशन का, ये वाला और इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो ये ए और आई के बीच में और सब ऑल्टरेशन का है। तो ये बोल रहा है कि ट्रूथ फॉल्स डाउनवर्ड, मतलब जब आप ए से आई की तरफ आओगे तो नीचे जब जाएगा तो वो ट्रूथ होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ए वाले का मुझे जरा एग्जाम्पल बताना, ए स्टेटमेंट क्या होता है? All men are All men are good. यूनिवर्सल पॉजिटिव। नहीं, ये नहीं बोलना है अब दोबारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। अगर मैंने पूछा ए वाला स्टेटमेंट बताओ तो बोलो ऑल मैन आर गुड, ठीक है? ये बोलो, यूनिवर्सल पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी खत्म हो गई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया ऑल मैन आर गुड। और आई वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है बताना? सम मैन आर गुड। सम मैन सम मैन आर गुड। आर गुड, ठीक है? अब ये देखो, जब ए से आई की तरफ जाएंगे तो मतलब ये ट्रू होगा, ये वाला फ्लो जो होगा नीचे जाने वाला वो ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा? जब पहली लाइन ये बोल दी कि सारे के सारे आदमी अच्छे हैं, आप एग्जाम्पल ले लो कि कुछ आदमी खड़े हैं, ठीक है? 10 आदमी कुछ कोने में खड़े होंगे, बात कर रहे होंगे, आप लोग खड़े होके बोलोगे, एक लड़की बोलेगी सारे आदमी अच्छे हैं, ठीक है? फिर दूसरी कोई सेंटेंस बोलेगा कि कुछ आदमी अच्छे हैं। तो अगर ये अच्छा वाला हमारा सर्कल है और इसके अंदर जब सारे के सारे आदमी अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जो कुछ होंगे वो भी तो अच्छे होंगे। सारे ही अच्छे हैं तो उनमें से अगर आप कुछ भी बोल लोगे तो वो तो सही है ना बात, क्योंकि सारे ही अच्छे हो गए ना, सब अच्छे हो गए तो उनमें से कुछ तो अच्छे डेफिनेटली होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे अच्छे बोल के अगर दूसरी लाइन ये बोल दी होती कि सारे, एक लाइन ये बोली होती सारे अच्छे हैं, दूसरी लाइन बोली होती एक भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो क्या ये ट्रू होता है? दोनों रिलेट करते हैं आप दोनों को, नहीं ना? पर जब आपने ये बोल दिया कि सारे अच्छे हैं, ऑल मेन आर गुड बोल दिया, एंड देन आपने दूसरे ने ये बोल दिया कि सम मेन आर गुड, ठीक है? सारे अच्छे हैं और सम बोल दिया, सम का मतलब क्या है? सम तो वही हो गए ना, उन सब में से कुछ लोग, तो जब सारे ही अच्छे हैं तो अगर आप एक दो आदमी को भी बाहर निकाल लोगे उस ग्रुप से तो वो कुछ आदमी भी तो अच्छे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उस ग्रुप से निकाल लिया तो वो कुछ जो 2 आदमी निकाल लिया वो बुरे हो गए, वो तो अच्छे ही होंगे क्योंकि सारे ही अच्छे थे, तो उनमें से अगर एक दो तीन जितने भी लोग होंगे वो सारे ही अच्छे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ये ट्रूथ हो जाएगा नीचे की तरफ जब जाएगा, ए से जब आई की तरफ जाएगा तो ट्रूथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? 5% भी समझ में आ रहा है तो बताओ, यस मैम। सभी को आ रहा है? अरे ठीक है,
अब ये ट्रूथ फॉल्स डाउनवर्ड हो गया. अब इसका दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा होता है फॉल्स गो अपवर्ड. ठीक है, जैसे ये ए है और हमारा आई है, अगर हम आई से ए के स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये फॉल्स होगा. अब कैसे होगा, आई वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है बताओ. सम मेन आर गुड. और ए वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है, ऑल मेन आर गुड. अगर पहला स्टेटमेंट ये बोला गया कि कुछ आदमी अच्छे हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ, अब पहले वाले को भूल जाओ, अब दूसरे वाला समझो. कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, ग्रुप में, और उसमें से एक बंदे ने बोला कि इनमें से ना कुछ आदमी अच्छे हैं, ठीक है, फिर अब ऑलरेडी हो गया ना कि ये सर्कल आपने एक बार बना ही दिया, सर्कल में से आपने बोला कुछ आदमी अच्छे हैं, ये जो मेन है ये सारे मेन में से कुछ ही आदमी अच्छे हैं, फिर ये दूसरी लाइन बोल दी सारे के सारे अच्छे हैं. पर ऐसा थोड़ी है, अगर इनमें से हमें यही पता है सिर्फ कि कुछ आदमी अच्छे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे अच्छे ही होंगे. पहली लाइन क्या बोली गई कि कुछ अच्छे हैं, ठीक है, तो कुछ अच्छे बोले ना, सम मेन आर गुड बोला ना, तो जरूरी थोड़ी है कि अब सारे के सारे अच्छे होंगे क्योंकि कुछ अच्छे हैं, जरूरी है क्या, समझ रहे हो. तो ये क्या हो रहा है, yes, कि जब आप सम से ऑल की तरफ जाओगे तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम कुछ चीजों की बात करते हैं तो कुछ चीजों में सारी चीजें नहीं आ सकती, पर जब हम सारी चीजों की बात करते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रुप अच्छा है, ये एक बात पहले आ गई कि ये पूरा का पूरा ग्रुप अच्छा है, तो उसमें से अगर आप एक दो आदमी के बारे में बात करोगे तो वो अच्छे ही होंगे क्योंकि वो पूरा ग्रुप ही अच्छा है. पर जब एक पूरा ग्रुप है उसमें से ये बोला गया कि इनमें से कुछ ही अच्छे हैं, ठीक है, फिर आप इस बात के बाद ये नहीं बोल सकते कि सारे अच्छे, क्योंकि बात क्या हुई है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इनमें से कुछ अच्छे हैं, तो कुछ का मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे ही अच्छे हो गए. पर अगर सारे अच्छे होंगे तो फिर हो सकता है कि उनमें से कुछ अच्छे हैं. समझ में आया क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो अब हम इसको पढ़े तो क्या बोल रही है कि सब ऑल्टरेशन में जब रिश्ता ए से आई की तरफ, मतलब ए स्टेटमेंट से आप आई की स्टेटमेंट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स. ट्रू. और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब सम से ऑल की तरफ जाओगे, तो फिर क्या होगा, फॉल्स. और यही सेम चीज ई और ओ में है, ठीक है, ई से ओ की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स. ई से ओ की तरफ जाएगा, ट्रू. और ओ से ई की तरफ जाएगा तो क्या होगा, फॉल्स. उमेश, समझ में आ रहा है क्या कुछ. यस, आई एम गेटिंग इट नाउ. ओके, वेरी गुड. अब कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब है अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, इफ ए इज ट्रू देन ओ विल डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, अपोजिट है ना, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब अगर एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा और अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये हो गए कॉन्ट्रडिक्टरी बात. ठीक है, तो अब हमने चारों पढ़ लिया है, कॉन्ट्ररी भी पढ़ लिया, सब कॉन्ट्ररी भी पढ़ लिया, सब ऑल्टरेशन भी पढ़ लिया एंड कॉन्ट्रडिक्टरी भी पढ़ लिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिकल रीजनिंग की, इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और ये ना बच्चों को कॉन्ट्रडिक्टरी एक बार रिपीट कर दोगे. कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब है अपोजिट टू ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट जो करते हैं एक दूसरे को, मतलब ए अगर ट्रू है, अगर ट्रू है, देखो ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, पर जो अगर ए फॉल्स निकला तो ओ क्या होगा, वो ट्रू निकलेगा. और अगर ई गलती से ट्रू है तो आई क्या होगा, फॉल्स. तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है, मतलब ई और आई के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी का, और ए और ओ के बीच में एक रिश्ता होता है कॉन्ट्रडिक्टरी का. ठीक है, इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. ठीक है, गॉट इट. आगे बढ़ूं. ठीक है, चलो अब पढ़ लो. कॉन्ट्रडिक्टरी में सिर्फ इतना ही है,
कि मतलब वो अपोजिट वाला ये अपोजिट है. हाँ तो देख लो कॉन्ट्ररी में मैंने क्या पढ़ाया था, एटलीस्ट एक तो फॉल्स, एक तो इनमें से कोई तो फॉल्स डेफिनेटली होगा. किन किन के बीच की बात हो रही है कॉन्ट्ररी में बताओ, कॉन्ट्ररी किन दो लोगों के बीच का रिश्ता है, किन दो स्टेटमेंट, ए और ई के बीच का रिश्ता है. सब कॉन्ट्ररी किसके बीच का रिश्ता है, आई ओ, आई और ओ के बीच का है. ठीक है तो ए और ई के बीच में कौन सा रिश्ता है, कॉन्ट्ररी का रिश्ता है. मतलब एटलीस्ट एक तो फॉल्स होगा ही होगा, दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं पर दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते. ये बात समझ में आ गई. सब कॉन्ट्ररी में क्या है, एटलीस्ट एक तो ट्रू होगा ही होगा, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं और दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते. इतना समझ में आया. Yes. कॉन्ट्राडिक्टरी किस किस के बीच में था बताओ, ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में था. ठीक है इसमें क्या था, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा. सब ऑल्टरेशन में क्या था बताना, किन के बीच का रिश्ता है ये, ए और आई के बीच में और आई और ए, ई और ए, ई और ओ के बीच में, ये है ये. ठीक है नीचे जाता है तो नीचे जाते हुए को ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ट्रू होगा और अगर ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है आगे बात समझ में. ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. When subject and predicate of both the premises are the same but they differ in quality. Like. Book, अपनी बुक निकाल लो और पेन निकाल लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब समझ लो, बुक और पेन निकाल के समझ लो और प्लीज बीच हेलो मैम आवाज नहीं आ रही. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमाइसिस, ठीक है बोथ द प्रेमाइसिस, दोनों प्रेमाइसिस के जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम हो. ठीक है अब देख लो भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस के सेम हो बट दे डिफर इन क्वालिटी ओनली. अगर सिर्फ वो क्वालिटी में डिफर करे तो हमने पढ़ा था क्वांटिटी, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हमने पढ़ा था क्वालिटी और हमने पढ़ा था प्रेडिकेट. इस तरीके से चार भागों में हमारा सेंटेंस डिवाइड रहता है. ठीक है और अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट लेना है आपको कोई भी, ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दो प्रेमाइसिस, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमाइसिस आर द सेम, मतलब ये बोल रहा है प्रेमाइस ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के सेम है. जैसे कि हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, बताओ क्या ले, एक क्वेश्चन करके दिखाई देती हूँ, एक सब्जेक्ट बताओ. भाई तुम ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट पूछा, कोई एक सब्जेक्ट बताओ मुझे. मैन, हाँ ऐसे बोलो मैन. ये P1 में और P2 में ये क्या बोल रहे हैं, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, मतलब सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट बता दो क्या लेना है. ठीक है ये ले लिया. अब इसने क्या बोला ध्यान से देखो, बट दे डिफर इन क्वालिटी ओनली, सिर्फ ये जो है ये सिर्फ क्वालिटी में एक दूसरे से डिफर करते हैं, बाकी सब सेम है. मतलब आप क्वांटिटी बताओ क्या लेनी है. ऑल ले लेंगे, दोनों में ले लूं ऑल, केक में लेना है. दोनों में दोनों में. अब इसने क्या बोला, क्वालिटी अलग हो जाती है,
तो बताओ क्या होगी क्वालिटी अलग दोनों में? तो ये आर हो जाएगा और एक आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं, बताओ अब ये कौन सा रिश्ता है? ए और ई, ऑल मेन आर गुड कौन सा है? ए का रिश्ता है, आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज आ रही है क्या मेरी मैम? अब आ रही है। अच्छा, वो नेटवर्क चला गया था बीच में, ठीक है। तो ए और ई के बीच का रिश्ता बताना है फिर हमें कि ए और बीच का रिश्ता क्या है, ए और बीच में रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का, ठीक है। ए और ई का रिलेशनशिप क्या है? कॉन्ट्ररी। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन पहले किसी ने देखा है? नो मैम, नो, कभी नहीं देखा। ये मैम अगर इसी में हम क्वांटिटी डिफर कर दें तो जैसे एक में ऑनली सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आराम आराम से चलते हैं। अपने बुक और पेन निकाल लो। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बीच में बोलेगा नहीं कोई भी। इसी क्वेश्चन में ए और ई कैसे आया? लेकिन ये क्वालिटी जब तो समझ में आया, लेकिन आगे आपने कैसे कंसिडर किया ए और ई? क्योंकि हमने जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट देखे हैं, ऑल मेन आर गुड, ये कौन सा स्टेटमेंट है हमने पढ़ा है ना? ये कौन सा? ये ए हो गया ना फिर। ऑल मेन आर नॉट गुड, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? हमने क्या पढ़ा था? सारे आदमी अच्छे नहीं है, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? वो पहली क्लास में आई थी क्या, जब हमने पढ़ा था ए वाला, ई वाला, आई और ओ वाला स्टेटमेंट, उस क्लास में थी क्या? नहीं, ए वाला मैम, ए वाला नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, कितने बच्चे जो उस क्लास में नहीं आए थे जब हमने ए ई आई ओ नहीं पढ़ा था, कितने बच्चे हैं? वीवो नहीं है, वीवो नहीं आई थी? यस मैम, मैंने समझ लिया था, नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, तो ए ई आई ओ अभी सुन लो, फटाक से बता रही हूँ। ये चार टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, फिक्स है। ऑल मेन आर गुड, सारे मेन अच्छे हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑल बॉयज आर मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं है। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ गई मैम, अभी आ रही है। अच्छा, तो ए टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑल मेन आर गुड, ए टाइप का स्टेटमेंट ये होता है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग हो जा सकता है, पर ऑल और आर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, कि सारे मेन अच्छे हैं। ये ए टाइप की स्टेटमेंट होती है। ई टाइप की होती है ऑल मेन आर नॉट गुड, जैसे ये हो गया ना, सारे अच्छे हैं, तो इसमें आर नॉट लग जाता है और बाकी सब सेम रहता है। आई टाइप की स्टेटमेंट क्या होती है? सम मेन आर गुड, कुछ मेन अच्छे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑल लगाए ना, तो इसमें सम लगता है। फिर ओ टाइप की स्टेटमेंट होती है कि सम मेन आर नॉट गुड, ठीक है, ये गुड हो गया, यहाँ पे आर नॉट लग जाता है एक्स्ट्रा। तो ये चार टाइप की स्टेटमेंट होती है ए ई आई ओ। ये इतना समझ में आया? यस मैम। तो इस स्टेटमेंट को ए बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को ई बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे कि आपको समझाने के लिए एक और बात बता देती हूँ कि ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऐसा हो जाएगा ऑल बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप बदल सकते हो, पर ए ई आई ओ में ये सेम रहता है, आर ऑल, ऑल आर नॉट, ई में, आई में सम आर, ठीक है, ओ में सम आर नॉट, ये फिक्स रहता है। पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्वेश्चन के हिसाब से बदल सकता है, जैसे ऑल बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, फिर हो सकता है सम बॉयज आर
इंटेलिजेंट, फिर हो सकता है सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, इस तरीके से. ये समझा ये कौन सी स्टेटमेंट्स की बात हो रही है? यस मैम. मैम नो वॉइस. अभी आ रही है क्या? यस मैम. हाँ क्लास के लिए वो मेरे से अब नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सॉल्व करो यारा क्वेश्चन. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रमाइसेस इज सेम है. ठीक है ये लाइन पढ़ ली. नहीं नहीं बोलना नहीं है. मैंने अच्छा. बोला था बोलना नहीं है. ठीक है सब बच्चों को. हाँ सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए. ठीक है तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होगा दोनों प्रमाइसेस में. ठीक है तो अपनी नोटबुक में लिख लो दो पी वन पी टू सब्जेक्ट प्रमाइस दोनों का सेम लिख दो. फिर दे डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. दोनों डिफरेंट किसमें है? क्वालिटी में भी डिफरेंट है और क्वांटिटी में भी डिफरेंट है. अब बताओ कौन सा रिश्ता बनता है. आराम से सॉल्व करो और मैसेज करो मुझे. और सब बच्चों का 18 बच्चे हैं क्लास में 18 के 18 बच्चों का मैसेज आना चाहिए. अगर नहीं आया ना जिसका मैं समझ जाऊंगी वो बच्चा सो रहा है. आंचल का आ गया, दिव्यानी का आ गया. हाँ, हमने भी दे दिया था पहले. अच्छा प्रगति कौन नाम बताओ? किरण. किरण ने भी दे दिया क्या? ठीक है वो मैं शायद लीव हो गई थी ना उस टाइम पे. स्वाति अमीशा रुचि शालिनी प्रगति अरुणा दिव्यानी आंचल. ठीक है कुछ कुशल्या ने भी लिख दिया. ठीक है वीवो ने भी लिख दिया. एक दूसरे का देखकर मत लिखना, अपना सॉल्व करके लिखना. कोई फायदा नहीं है देख के लिखने में. शिल्पा ने भी लिख दिया. बाकी बच्चे कहाँ हैं? उमेश किधर है? उमेश वेयर इज उमेश? उमेश नहीं आया क्या समझ में? अभी नहीं आया. अब तक नहीं आया समझ में? मैम मैं बताऊं कैसे करना है? हाँ रुक जाओ. ये तो ठीक थी पहले बट ये क्वेश्चंस में क्या कैसे है थोड़ा सा क्लियर कीजिए. अच्छा क्वेश्चंस में क्या है वापस क्लियर करूं? ठीक है रुको. अगर जहां पे नहीं आता है उमेश मैं बार बार तुम्हारा नाम क्यों ले रही हूँ? मैंने इसलिए तो नाम ले रही हूँ कि भाई अगर बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा है जहां नहीं आ रहा है मुझे टोको तो बोलो तो कि मैम नहीं आ रहा. मुझे पता कैसे चलेगा? अभी मैं नाम ले लेके जबरदस्ती अनम्यूट करवा के मैं पूछ रही हूँ. अब क्या पता तुम्हारा कितना ध्यान है. जब ही नहीं समझ में आता ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते ही बोल दो मैम नहीं आ रहा. सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट। चलो एनीवेज जिन बच्चों का आ गया, बच्चों का कितना क्या है, कॉन्ट्ररी आया ना, कॉन्ट्रडिक्टरी आया, ठीक है। क्वालिटी से क्या मतलब है इसका? हाँ मैं भी समझाती हूँ, ठीक है। अभी जब मैंने बताया था ना क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी एंड प्रेडिकेट, ये समझाया था ना मैंने, तो समझ में आ रहा है, बट इस क्वालिटी से क्या मतलब है? हाँ मैं बताती हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अब मेरे को ये पूरा एक्चुअली जो मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ वो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, तो एक मिनट का मुझे टाइम दो, ठीक है। तो बच्चों का आ गया है कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और समझाते हैं थोड़ा, और मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको। जब तुम लोग क्लास में नहीं थे, जब फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक सेंटेंस आप ले लो, ऑल मेन आर गुड, ये एक सेंटेंस ले लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस ये जो होता है, दूसरा भी ले लेती हूँ, चलो, मेन आर नॉट गुड, ये ऑल और ये जो सम है, ये जो आगे लगा हुआ है, किसके आगे लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट के, और ये प्रेडिकेट है, ये तो पता है ना उमेश, अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, yes. ये सब्जेक्ट है और ये पता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के आगे ये लगा हुआ है ऑल एंड सम, मतलब ये क्या बता रहा है हमें, ये क्वांटिटी बता रहा है, है ना, ये हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी की, क्वांटिटी की, है ना। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट मेन, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये तो पता है इसको, ये तो फिक्स है, ये सब्जेक्ट है और ये इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ये तो फिक्स है, है ना। अब ये आर और आर नॉट क्या है, इसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी। अब इसको क्वालिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है आर गुड, ठीक है। इस आर से पता चल रहा है कि ये जो मेन है इसकी क्वालिटी गुड वाली है, और इस आर नॉट से हमें पता चल रहा है, नॉट आ गया ना, नॉट आर नॉट, मतलब इस मेन की जो क्वालिटी है वो गुड नहीं है, है ना। अगर आप ये लिखते हैं ऑल मेन गुड, सम मेन गुड, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि ये क्वालिटी कैसी है, इसकी अच्छी है या बुरी है, क्या है। जब आप आर और आर नॉट लगा देते हो ना, तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि ये गुड है या गुड नहीं है। समझ में आ रहा है उमेश कुछ? ओके डन। तो इसलिए इसको क्वालिटी बोला जाता है। किसको बोला जाता है क्वालिटी? आर को और आर नॉट को क्वालिटी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या क्या बदलना है, क्वालिटी भी बदलनी है, ठीक है, और क्वांटिटी भी बदलनी है। कोई भी स्टेटमेंट, पहले तो ये देखो क्या बोला है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होगा, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख लो, और पी वन हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, पी टू हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये बताओ उमेश, सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, प्रेडिकेट कौन सा लेंगे, अपनी मर्जी से ले लो कोई भी। उमेश? Yes, all men are good ले रहे हैं। हाँ तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट तो इसमें मैन हो गया, मैन हो गया, तो दोनों में मैन ले लेंगे ना, दोनों सेंटेंस में। और प्रेडिकेट क्या लेंगे? प्रेडिकेट लेंगे हम, वो भी ऑल होगा। प्रेडिकेट ऑल कैसे होगा? प्रेडिकेट तो उसको बोलते हैं ना, ऑल मेन आर गुड में गुड को प्रेडिकेट बोलते हैं ना। ओके ओके, है ना। या तो चलो इस बार हम कोई और सेंटेंस लेते हैं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट लेते हैं। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या? बॉयज हो गया सब्जेक्ट और इंटेलिजेंट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये दोनों में क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों सेंटेंस में ये सेम है। कौन सेम है? सब्जेक्ट भी सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है दोनों में। तो एज इट इज, हम जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक लाइन में सॉल्व करते हुए जाते हैं। अभी सुनो पूरा पूरा करते हैं पहले, ठीक है। अब क्या बोला इसने, क्वांटिटी और क्वालिटी भी दोनों की अलग है, शायद ऐसा बोला है ना। क्वांटिटी भी अलग है ना, तो हम ऊपर की क्वांटिटी क्या लेंगे बताओ? ऊपर की आर लिए। क्वांटिटी क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी जिससे पता चलता है कितने बॉयज हैं। दिस इज ऑल, ऑल। और दूसरे में क्या लेंगे? सम, सम। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट है, अलग है, दोनों अलग है, तो एक में ऑल आएगा एक में सम। और क्वालिटी में क्या लेंगे बताओ? कुछ भी ले सकते हो। क्वालिटी में आर एंड आर नॉट लेंगे। तो ये नीचे क्या लूं, यहाँ ऊपर आर ले लिया, नीचे क्या लूं? तो आर नॉट होगा ऑब्वियसली।
तो अब बताओ ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है और ये कौन से टाइप का कंट्राडिक्टरी हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया। आर एंड आर नॉट डिफाइंस दैट इट इज कंट्राडिक्टरी। नहीं उधर तक पहुंचना ही नहीं हमें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मुझे ये बताओ ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ए ई आई टाइप का हो गया, ए टाइप का हो गया, ठीक है। और बताओ सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट है? वो हो गया आई ओ टाइप। ये ओन आई ओ ओ टाइप का है, ठीक है। सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ओ टाइप का होता है। उमेश एक बार तुम पीछे देख लोगे ना तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा ए ई आई ओ, ठीक है। तो इतना भी समझ लो ये ए टाइप का हो गया और ये ओ टाइप का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब हम अपने टेबल की तरफ जाएं, टेबल की तरफ जाएं हम। तो टेबल क्या था हमारा? ए और ई, ठीक है। देन यहाँ क्या था? आई था और यहाँ क्या था? ओ था, ऐसे ही था। अब ये वाले जो रिश्ता होता है ए और ओ का, ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला रिश्ता है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। आप समझ में आया? यस मैम। बोलो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी में लिखा है कि ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यही हो गया कि एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, दोनों का जो सच है वो अपोजिट होगा एक दूसरे से। हाँ ओके थैंक यू। यस ओके ठीक है, सबको समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा रह गया कि जिसको नहीं समझ में आया तो अब भी पूछ लो मुझे, बाद में पूछूंगी। और ये बोला ना मुझे कि मैम हमें तो नहीं पता, फिर तो मैम पेपर सॉल्व करते समय रफ में ये ए ई आई ओ मतलब ये जो टेबल जो भी डायग्राम है वो बना लिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना? इजी बल्कि पता है क्या है, अभी आप लोगों को अभी लग रहा है, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ए ई आई ओ, अभी मेरे माइंड में पिक्चर प्रिंटेड है ऑलरेडी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। दो तीन क्वेश्चन करके देखो आप, आपके माइंड में वो टेबल की पिक्चर ही ऐसे बन जाएगी, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी लगता है तो लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिख लेना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, सब अपने मन में अपनी पेपर और बुक में सॉल्व करना, मुझे कोई भी ऐसे बोलेगा नहीं। If two propositions having the same subject and predicate terms are such that one is the denial of the other, दो प्रपोजिशन जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है बट दोनों एक दूसरे को डिनाई करते हैं, ये कौन सा रिश्ता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी यस ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। यस मैम, प्रपोजिशन थोड़ा सा, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, प्रपोजिशन मतलब जो दो स्टेटमेंट्स होती है ना, प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स। जो दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें इन्होंने जानबूझ के लिख दिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और बोल रहा है कि जो दोनों स्टेटमेंट है ना, दोनों एक दूसरे को डिनाई करती है। डिनाई मतलब एक बोलता है कि मैं सच हूं तो दूसरा वाला उसका अपोजिट चलता है कि नहीं तू ट्रू है तो मैं फॉल्स हूं तो तू, मतलब डिनाई करते हैं, मैं वो दूसरा वाला दूसरे को मानता नहीं है, मतलब ट्रू के अपोजिट रहेगा। अपोजिट डिनाई का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के खिलाफ, अपोजिट। तो जो अपोजिट है एक दूसरे के वो तो एक ही है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो डिनाई कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? आया समझ में? मैम इसमें एक डाउट है, जैसे ना सपोज अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं ऑल मेन आर गुड, और इसका अगर हम डिनाइल मतलब इसका ऑपोजिट लेते हैं तो आएगा ऑल मेन आर नॉट गुड, यही आएगा ना मैम? तो ये नहीं, डिनाइल सेंटेंस क्या आएगा मैम फिर इसका? डिनाई का मतलब होता है नहीं, वैसे इसमें आप सेंटेंस में नहीं जा सकते, इसको आपको थ्योरी में समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सेंटेंस में जाओगे आपका सारा लॉजिक ही हिल जाएगा। डिनाई का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ, तो एक ही चीज हमने पढ़ी है, खिलाफ किस में पढ़ा है? हमने थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि वो एक दूसरे की ट्रूथ वैल्यू के अपोजिट है, हमने किस में पढ़ा? वो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी में पढ़ा, बाकी किसी में थोड़ी पढ़ा। बाकी में तो पढ़ा एक सच है, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, दूसरे में पढ़ा दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, पर एक ही रिश्ता था कॉन्ट्राडिक्टरी का जिसमें हमने पढ़ा था दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या मतलब है? खिलाफ एक दूसरे के, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डिनाई करते हैं,
ठीक है, तो वो मतलब हम मैम इसको सेंटेंस से नहीं ले सकते, इसको हमें लॉजिक से करना पड़ेगा, लॉजिक से करना है, लॉजिक भी नहीं, हमने जो थ्योरी पढ़ी है अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरी या अबाउट कॉन्ट्ररी या अबाउट, देखो आगे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं जिसमें ये बोला जाएगा, बताओ वो कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू तो हो सकते हैं पर एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो आप अब उसमें स्टेटमेंट थोड़ी लोगे, फिर तो आप थ्योरी याद करोगे अपनी कि किसमें पढ़ा था हमने कि दोनों ट्रू हो सकते हैं दोनों फॉल्स हो सकते हैं, तो वहां पे वैसा दिखना पड़ेगा, यहाँ डिनायल बोला है तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लगाओगे, देखो स्टेट ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ लगाते हैं, हमने अभी जो पीछे क्वेश्चन आज गई मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल, हेलो यस मैम, हाँ तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लगाएंगे, जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला ना जो जो सेंटेंस वाली चीज है वो यहाँ लगाएंगे, जब बोलेंगे कि क्वालिटी और क्वालिटी क्वांटिटी डिफर है, दोनों ये सेम है बट इसकी क्वालिटी अलग है, किसी में पूछा क्वांटिटी अलग है, किसी में बोला क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही अलग है, तो बताओ क्या होगा, तब आप वो सेंटेंस लगाओगे, बट जहाँ बोला डिनायल है या दोनों बताओ दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो सकती है पर दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, तो वो कौन सा रिश्ता है, तो वहां पे आप सेंटेंस थोड़ी लगाओगे, फिर तो आपको थ्योरी पता है कि थ्योरी हमने क्या पढ़ी थी, तो वहां पे ऐसे कॉन्ट्ररी है सब कॉन्ट्ररी ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है आई बात समझ में, चलो करो इसे सॉल्व, और मुझे सब्जेक्ट पढ़ी हाँ चलिए तो कर लिया, ये मेरे को पर्सनल मैं जिसको पूछूंगी वही जवाब देगा, कोई भी नहीं बोलेगा और, ठीक है, इफ टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, द रिलेशन बिटवीन दीज प्रपोजिशंस इज कॉल्ड व्हाट, जिसको पूछूंगी ना वही बोलेगा बच्चा, ठीक है उमेश बताएगा, उमेश है भी या नहीं क्लास में पता नहीं, हाँ है उमेश, कंट्री लग रहा है मुझे, ओके इफ टू पोजीशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू, बोथ ट्रू हो सकते हैं साथ में, बोथ ट्रू हो सकते हैं साथ में बट दोनों बोथ साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, नहीं नॉट क्लियर दे दिए, ओके कोई बात नहीं, रुचि दिव्यानी ओके ठीक है, बताओ साक्षी बोलो मैम, सब कॉन्ट्रडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, ठीक है अब दोबारा सुन लो एक बारी, कॉन्ट्ररी में क्या होता है, अब इसको याद कर लो, अगली बार पूछूंगी ना सबको आना चाहिए, कॉन्ट्ररी में होता है दोबारा बता रही हूं, बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर, दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो इन दोनों में से कोई एक तो फॉल्स पक्का होगा, होगा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या बच्चों, यस मैम आ रही है, फोन आ रहा है बीच में बार बार, ठीक है बोथ फॉल्स हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो फॉल्स होगा ही होगा और दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है ये कॉन्ट्ररी का था, उमेश ध्यान से सुनो, सब कॉन्ट्ररी, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं, कम से कम एक तो इनमें से ट्रू होगा ही होगा, और एक और चीज ये साथ में क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते है साथ में, फॉल्स नहीं हो सकते मैम, ये साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है ये आगे समझ में बात, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जब दोनों के दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं पर ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, तो बताओ किसमें पढ़ा हमने, दोनों ट्रू हो सकते हैं बट ठीक है बोथ, ये बोल रहा है ट्रू हो सकते हैं ये साथ में पर ये बोथ फॉल्स नहीं हो सकते साथ में, ऐसा बोल रहा है, तो ये कौन सा रिश्ता है,
सब कॉन्ट्ररी का रिश्ता है. सब कॉन्ट्ररी किसके बीच में था रिलेशनशिप इन दोनों का? आयो आई और ओ के बीच में था. ठीक है मैम. मैम इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ना मैम? एक्सेप्शंस हमें पढ़ने नहीं है, वो हमारे काम की चीज नहीं है, और अगर है तो वो आगे आ जाएगी. ठीक है ओके मैम. बैब बोलो. हेलो हाँ. मैम इसका जो दूसरे जो बचे हुए ना कॉन्ट्राडिक्टरी और सब कॉन्ट्राडिक्टरी उसका भी स्टेटमेंट लिखवा दीजिए. हाँ वो आएंगे ना, अभी क्वेश्चन आएंगे उसके. कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. ठीक है बताओ भाई. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ओनली कॉन्ट्राडिक्टरी है. अब ये अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. इनमें से दो स्टेटमेंट है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. कोई तो दो है, या तो ये है या तो ये है. अब वो कौन से हैं वो बताने हैं तुमको. बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी समझ गए हो ना? किस किस के बीच में होता है रिश्ता? ए के बीच में और ओ के बीच में, ई के बीच में और आई के बीच में. अब ये वाले कौन से वाले मिल रहे हैं तुम्हें देख लो. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले तो सब बच्चों इसके आगे ना लिख लो ऑल पोएट कौन सा वाला है, ए है कौन सा है, सम पोएट आर फिलोसोफर कौन सा वाला टाइप है, सम पोएट आर नॉट ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा स्टेटमेंट ए ई आई ओ लिख लो और फिर देख लो इसमें कौन सा वाला बैठ रहा है. कोई ए सी बोल रहा है, कोई ए डी बोल रहा है. मैम ए सी एसी. थर्ड एसी ए और ओ का रिलेशन आ रहा है. ये सबको आया क्या? कैसे करना है? किसका आंसर अलग आया एसी के अलावा? स्वाति हाँ बताओ भाई कौन से टाइप का कौन सा स्टेटमेंट है. ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है? ऑल पोएट आर फिलोसोफर. मैम ये ए टाइप का है. ये कौन सा है? सम पोएट्स आर फिलोसोफर. मैम ये आई टाइप का है. ये कौन सा है? सम पोएट्स आर नॉट फिलोसोफर. मैम ये ओ टाइप का है. ये कौन सा है? नॉट बोलते हैं. और ये ई टाइप का है. तो बताओ कॉन्ट्राडिक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? ए एंड सी तो दिख रहा है ना हमको, है ना? मतलब ये वाला ए और ओ, ये वाला तो ये ए एंड सी है. यस मैम. है ना? ई और आई का ऑप्शन है क्या? मतलब बी एंड डी. बी एंड डी कहीं दिया है क्या? क्योंकि ये भी तो है. अब देखो इसको मत भूल जाना. ई और ओ. हाँ ठीक है. ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है ठीक है, पर ई और आई भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. मतलब ई और आई भी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. मतलब बी और डी भी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. बी और डी. यस बस ये क्या है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया. नो मैम बी और डी नहीं. तो डी और क्या कहते हैं ये ए बी सी. डी और सी. अच्छा सी और ई ओ होता है क्या? क्या? अरे बी और डी वाला ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन बोल रही हूँ मैं. बी डी. ये आई सेकंड वाला आई है ना मैम जो आप ऑप्शन. और ये वाला डी. हाँ. वाला जो है वो ई है.
तो ई और आई तो एक दूसरे को अपोजिट करते हैं ना, क्या हो गया मैम? अपने दो होते हैं, हाँ ए और आई होता है, ए और आई नहीं होता, ए और एक ई और ओ होता है। नहीं उल्टा बोल रही हो, ए और ओ होता है, ई और आई होता है, ए और ओ होता है, ई और आई होता है। ये देखो ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, इतना तो समझ में आ रहा है, ये ए और ई ओ होता है ना कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये और ये होता है ना ई और आई, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अगर ऑप्शन दिया होता तो ये मिस मत कर देना एग्जाम में, पता चला एक ही टिक करके आ गए दूसरा टिक ही नहीं किया, हो सकता है दोनों कॉम्बिनेशन बना के दे दे देखने के लिए बच्चा अवेयर है कि नहीं एग्जाम में, तो पता चला एक ही कॉम्बिनेशन देखकर फटाफट बना के आ गए दूसरा देखा ही नहीं, देख लेना दूसरे का भी ऑप्शन दिया है क्या, अगर दूसरे का भी ऑप्शन दिया होता तो वो भी टिक करके आना है। कौन सा वाला ऑप्शन होता, कौन सा वाले दो ऑप्शन बने अब इसमें बताओ, एक तो ए और सी का बना, एक तो ए और सी का बना है ना, एक ए और सी है और दूसरा वाला बी एंड डी। ठीक है सबको आया समझ में? उमेश आया क्या अभी समझ में? आया उमेश? यस गॉट इट। ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट करो सॉल्व। Among the following statement, two are contradictory to each other. वही same है क्या ये question? Same ही है। मैम same ही लग रहा है। Same है। चलो ये वाला करो। दो statement में they are related in such a way that they both can be true, although but they cannot be false. अब वो कौन सा वाला रिश्ता है पहले तो अपने माइंड में वो सोचो, बोलना नहीं है किसी को भी, कौन सा वाला रिश्ता है कि जिसमें दोनों ट्रू हो सकते हैं पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, वो लिख लो। ठीक है पहले उसका नाम लिख लो, नाम लिखकर वो कौन से दो स्टेटमेंट्स है, जैसे ए है के या ई के बीच में है, आई या ओ के बीच में है, वो लिख के अब देख लो कि वो कौन सा टाइप का स्टेटमेंट बनेगा इनमें से और ये वाला कौन सा टाइप का स्टेटमेंट बनेगा इनमें से, ऐसे करना इसको सॉल्व। जिसका आंसर आ जाए मुझे मैसेज पे लिख देना। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लो, बता देती हूँ। मैम मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है नाम बताना। रुचि मैम। रुचि ठीक है। रुचि पहले क्लास से आ रही हो या आज फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास? नहीं मैम मैं फर्स्ट से आ रही हूँ। आ रही हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी अभी। मैम बोलो। एक क्वेश्चन ऐसे नहीं ठीक है सबने सॉल्व किया क्या या कर रहे हो? कर रहे हो तो बोलो मैं थोड़ा और रुकती हूँ। ठीक है करो। मैम हो गया। जो कर रहा है वो बोलता जाए कि मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैम मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर में से ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा तो उसका डिस्कस आपको कैसे करना है, मतलब वो क्वेश्चंस अगर आप क्लास क्वेश्चंस है तो मुझे भेज दो पहले, मैं देखूंगी कि मुझे कितना आता है वो। ठीक है क्योंकि अगर उसमें मुझे कोई डाउट होगा ना तो मैं वो क्लियर कर लूंगी और फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है आप बता दो भाई बोथ ट्रू एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर वाला कौन सा रिश्ता है पहले तो ये बताओ। सब कॉन्ट्रेरी वाले। ठीक है ये तो सबको आया समझ में, इसमें किसी को डाउट है क्या? यस मैम। किसी को नहीं है ना पूछ लेना, स्टेप बाय स्टेप पूछती हूँ मैं डाउट है क्या, क्यों? ताकि मेहनत मेरी कम हो, आगे फिर पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है तब पता चलता है समझ ही नहीं आया। तो बोथ ट्रू होते हैं पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते,
तो ये वाला रिश्ता सब कॉन्ट्ररी वाला है। अब सब कॉन्ट्ररी वाले रिश्ते में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? I, E, I, O. ये कौन सा था? कॉन्ट्ररी। ये कौन सा था? सब कॉन्ट्ररी। तो आई और ओ का जो रिश्ता है वो है सब कॉन्ट्ररी का। अब आई कौन से टाइप की स्टेटमेंट होती है और ओ कौन से टाइप की स्टेटमेंट होती है? जैसे यहाँ पे प्रीस्ट और कनिंग दो वर्ड यूज किए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो हम खुद अपने स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे आई वाला कौन सा होता है? सम वाला होता है। तो सम प्रीस्ट आर कनिंग होगा। और ओ वाला रिश्ता कौन सा होता है? आर नॉट वाला। तो सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग। तो अब देख लो भाई ये कहाँ कहाँ लिखा है। सम प्रीस्ट आर कनिंग, एक ये हो गया। सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग, एक ये हो गया। मतलब ए और डी का रिश्ता। सबका यही है आंसर? यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? तो इसका आंसर कौन सा निकला हमारा? ए एंड डी। ए एंड डी। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम